ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चल रहा था लेक्चर नंबर फोर बीएससी थर्ड ईयर ठीक है हमने स्टार्टिंग में सेट के बारे में पढ़ लिया था समुच्चय सेट क्या होता है किस किस टाइप के सेट होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था संबंध और लास्ट जो है हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में ठीक है फलन या फिर प्रतिचित्रण जिसको कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था आज हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है बी एस सी थर्ड ईयर का जो एबस्ट्रैक्ट एल्जेब्रा का आपका पेपर है मेन जो आपका सिलेबस या यूनिट जिसको कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट जहां से आपकी स्टार्ट होती है वो ग्रुप है ठीक है तो समूह जिसको बोलते हैं ग्रुप भी लिखते हैं हिंदी में तो वहां से आज स्टार्ट करेंगे एक बार शेयर कर दो सारे जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो जुड़ जाए एक बार ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन जो ग्रुप वाला आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप या फिर समूह जो भी इसको बोले तो इसमें अपने पास क्या रहेगा फर्स्ट लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन संक्रिया या फिर इसको द्वि आधारी संक्रिया भी बोलते हैं ठीक है लेट ए बी ए नॉन एम टी सेट ठीक है नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें है सेट अपने पास एम्प्टी नहीं है एक बार कमेंट कर दो वीडियो ऑडियो सही आ रहा है नहीं आ रहा है सबको ठीक है लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए फंक्शन एफ या स्टार भी कई बुक्स में लिखा होगा फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए ठीक है, को डोमेन तो क्या हो गया अपने पास ए हो गया और डोमेन क्या हो गया ए क्रॉस ए यानी कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद इट सेल्फ या कार्तिय गुणन हो गया लेट ए बी ए नोन एम्टी सेट देन ए फंक्शन फ्रोम एफ क्रॉस सॉरी एफ जो फंक्शन है वो ए क्रॉस ए से ए के ऊपर डिफाइन हो रहा है ठीक है इज डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे या फिर द्विचर या द्विआधारी आधारी संक्रिया बोलेंगे अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट था अपने पास ए कुछ एलिमेंट्स थे उसमें ठीक है हमने क्या किया ए क्रोस ए यहां से ये तो क्या ले लिया हमने डोमेन ले लिया और ए ये क्या ले लिया कोडोमेन इसके ऊपर एक फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया ठीक है यानी इसके दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करवा रहे हैं और वापस जो नया एलिमेंट आ रहा है वो उसी में आ रहा है तो ये एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी या जो की जो कंडीशन हम बोलते हैं वही है अपने पास बाइनरी ऑपरेशन उसी को बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल अभी लिखेंगे तो यहाँ पे जो ये एफ हो जाएगा अपने पास ये क्या कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन सेट ए कई बुक्स में इसको स्टार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा अपने को यहां से स्टार लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे ठीक है फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है फंक्शन में अब आपको फंक्शन की प्रॉपर्टी पता ही थी क्या क्या प्रॉपर्टी थी इधर जो डोमेन में एलिमेंट अपने पास उनकी क्या मिलेगी अपने को यूनिक इमेज मिलेगी ठीक है एद्वित्ते? इमेज मिलेगी यहाँ पे अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है उसकी सिंगल एक इमेज होगी ये नहीं है कि आपने कुछ इनपुट दिया जैसे एफ ओफ टू यहाँ पे आपने रखा और अपने पास क्या आ गई इमेज आ गई ठीक है जैसे एक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्स टू लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्स टू अब इसमें एफ ओफ टू की इमेज देखेंगे तो क्या हो जाएगी फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगी तो सिंगल एक ही इमेज आनी चाहिए अब ऐसे नहीं कि एफ ओफ टू आप रख रहे हो और वहां पर सिक्स भी आ रहा है या फिर फाइव भी आ रहा है दो इमेज नहीं आ रहे मतलब अपने पास सिंगल एक इमेज आनी चाहिए ठीक है अद्वितीय इमेज आनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा भी था जो लास्ट लेक्चर था हमारे लेक्चर थ्री पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जिसने जिसने भी नहीं देखे हैं, वो एक बार देख लेना ठीक है हिंदी मीडियम वाले लिख लो द्विचर संक्रिया या द्वि आधारित संक्रिया किसको कहेंगे माना ए एक माना ए एक एरिक्त समुच्चय है एरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी ठीक है माना ए क्या है एरिक समुच्चय और यदि एफ फ्रोम ए क्रोस ए टू ए, एफ फ्रोम ए, ए टू ए एक प्रति चित्रण है प्रति चित्रण फंक्शन को ही बोलते हैं फलन भी लिख सकते हो आप इसको एक प्रति चित्रण है तो एफ समुच्चय ए में तो एफ समुच्चय ए में एक दिचर संक्रिया एफ समूचे में एक द्विचर संक्रिया या फिर द्वि आधारी संक्रिया कहलाती है ठीक है एक रोसे में पता ही कैसे एलिमेंट आएंगे एक रोसे में कुछ ए कॉमा बी टाइप के अब नॉर्मली क्या होता था एक रोस बी हम लिखते थे उसमें क्या होता था फर्स्ट एलिमेंट इस साइड से रहता था फर्स्ट वाले साइड से सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड साइड से रहता था यहां पे दोनों एक ही है क्या लिखेंगे ए और बी बिलोंग्स टू सेट ठीक है ए और बी जो एलिमेंट है वो कहां से आएंगे अपने पास सेट ए से आएंगे और इसको अपन बाइनरी कंपोजिशन या द्विचर संयोजन भी कहते हैं ठीक है कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लो जैसे नेचुरल नंबर का सेट है कोई भी नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है उसके ऊपर अपन प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं ठीक है कोई भी दो नेचुरल नंबर लो वापिस ऐड करो आप क्या आएगा नया नेचुरल नंबर ही आएगा जैसे टू प्लस थ्री कर लिया फाइव आ गया नाइन प्लस हंड्रेड कर लिया वन जीरो नाइन आ गया थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड कर लिया फाइव हंड्रेड आ गया तो कुछ ना कुछ एक नेचुरल नंबर ही आएगा जब दो नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर का सेट है अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेट ऐसे नेचुरल नंबर थोड़ा दिख जाए या फिर ऐसे लिखते हैं शायद इसको देख लेना हो तो जैसे नोटेशन अलग-अलग बुक्स में मिल जाता है और जैसे नेचुरल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वापस नेचुरल नंबर ही आएगा तो वो भी अपने पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा इसके साथ ऑपरेशन लगा देते हैं डॉट ठीक है और कौन सा करें रियल नंबर का जो सेट है उसके साथ ऑपरेशन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का कोई भी दो रियल नंबर है एड करेंगे वापस क्या आएगा अपने पास रियल नंबर ही आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा रियल नंबर ही आएगा अपने पास ठीक है तो इस तरह से ये जो मतलब वो एक तरह से जो कंपोजिट हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे क्लोजर की कंडीशन वो सेम ही उसी कंडीशन को हम यहां से बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं ठीक है तो इसमें कुछ एक ग्रुप लिख लो एन प्लस हो गया नेचुरल नंबर के साथ प्लस का ऑपरेशन नेचुरल नंबर के साथ डॉट का ऑपरेशन एन डॉट, आर डॉट, आर प्लस जेड प्लस जेड डॉट जेड माइनस आर माइनस ठीक है जेड सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा पूर्णांकों का जो समुच्चय था वो तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने पास बाइनरी ऑपरेशन नोट बाइनरी का अगर अपन देखना चाहें तो नेचुरल नंबर में जैसे माइनस का ले लेते हैं ऑपरेशन ठीक है नेचुरल नंबर का सेट ले लिया और साथ में ऑपरेशन क्या ले लिया माइनस का सब का. तो क्या हो जाएगा वो दो कोई भी नेचुरल नंबर है माइनस करेंगे जरूरी थोड़ी है नेचुरल नंबर अब मान लो बड़ा है फर्स्ट वाला उसमें से डिवाइड करेंगे जब तो अपने पास नेचुरल नंबर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बराबर या फिर छोटा है जो फर्स्ट वाला वो छोटा है तो फिर माइनस में आ जाएगा ये तो नेचुरल नंबर नहीं है प्राकृतिक संख्या नहीं प्राकृतिक संख्या तो क्या होती है अपने पास एंड ठीक so. है या फिर दोनों इक्वल ले लिए तो वहां पे जीरो आ जाएगा वो भी नेचुरल नंबर में नहीं आता किस में आता है होल नंबर में तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी तो ये क्या नहीं बनेगा अपने पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा तो नोट बाइनरी ऑपरेशन में लिख लेना एन माइनस हो गया ठीक है और डिवाइड वाला भी हो जाएगा दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे वो भी अपने पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा तो काफी सारे आप बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो तो एग्जाम्पल और भी मिल जाएंगे आपको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अगर हम देखना चाहें द्विचर संख्याओं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कुछ हो गया उसमें कोई सेट दे दिया सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो उस पर कितनी जो है द्विचर संक्रिया बन सकती है या फिर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं ठीक है नोट डाल के लिख लो सेट ए इसकी कार्डिनलिटी मान लो एन है कि सेट ए की कार्डिनलिटी मान लो क्या है एन है। तो पास जैसे यही तो रहता है ए क्रॉस ए से ए के ऊपर डिफाइन होता है फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन में इसमें एन एलिमेंट इसमें भी एलिमेंट तो एक तरह से केस बन जाएंगे और इधर एन तो अपने पास ये टोटल रहता है एन की पावर एन स्क्वायर एन की पावर एन स्क्वायर यहां लिख लेना नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशन कैसे बढ़ेंगे ये सेट ए था अपने पास इसमें मान लो ये वन टू थ्री एलिमेंट है ठीक है सेट ए इसमें वन टू थ्री एलिमेंट है एक सेकंड। हेलो। हेलो ठीक है तो क्या हो जाएगा अब इसमें एक रो से जो हम कितनी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी का मतलब यहां पे क्या होता है कितने एलिमेंट इसमें आ सकते हैं ठीक है तो एक एलिमेंट आ जाएंगे कार्टिसन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था एक रोस ए में कितने एलिमेंट आ सकते हैं सेट ए में एम एलिमेंट थे सेट बी में एन एलिमेंट्स थे तो A B में कितने हो जाएंगे MN elements, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ठीक तो है यहां यहां वो क्या हो जाते हैं अपने पास जितने भी सबसेट होते हैं वो अपने पास क्या बन जाते हैं रिलेशन बन जाते हैं ठीक है टोटल जितने भी सबसेट होते हैं उतने रिलेशन हम बना सकते हैं तो सबसेट कितने हो जाएंगे अपने पास इधर वाले जो एलिमेंट है उसकी पावर कर देते हैं वहां पे टू की पावर एन कर देते हैं ये तो पढ़ा था जितने भी है उसमें अब उसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे फंक्शन में अपने पास क्या थे? कि इमेज सेम आनी इमेज आनी चाहिए इमेज क्या आनी चाहिए यूनिक आनी चाहिए तो अब देखो ये एलिमेंट है अभी इसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे अपने पास थ्री और थ्री के पावर ये नाइन ठीक है टू का कर लेते तो पहले सिक्सटीन हो जाएंगे अपने पास ठीक है तो अब जैसे ये है वन टू एलिमेंट है ठीक है टपल्स में आप एलिमेंट बनाओगे क्या क्या बना सकते हो वन वन बना सकते हो वन टू बना सकते हो टू बना सकते वन बना सकते हो या फिर टू टू बना सकते हो ये बना सकते हैं ठीक है ए क्रोस ये तो क्या हो गया ए सेट हो गया ये ए ए के एलिमेंट हो गए जहां पे फर्स्ट एलिमेंट कहा से आ रहा है फर्स्ट सेट से फिर सेकंड एलिमेंट अब दोनों सेम ही सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है वन वन हो गया वन टू हो गया टू वन हो गया टू टू फोर एलिमेंट इसमें बन जाएंगे अब यहां से हमें ए के ऊपर क्या बनाना है फंक्शन बनाना है इससे ए के ऊपर क्या बनाना है फंक्शन बनाना है फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी कि इधर जो डोमेन है उसके जो डोमेन है प्रांत और प्रेशर हमने पढ़ा था तो प्रांत के जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए इमेज मिलनी चाहिए और कैसी इमेज मिलनी चाहिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए ठीक है यहां पे मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए चार एलिमेंट हो गए वन 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 टू टू वन टू टू ठीक है और इधर क्या है मेरे पास सेट ए यही तो डिफाइन किया हमने एक रोस ए से ए के ऊपर तो इसमें तो ओनली वन और टू ये हो जाएगा यहां पे अपने पास क्या हो गया एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अब देखो इसकी इमेज क्या हो सकती है one भी हो सकती है, या फिर टू भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है। Similarly, इसकी इमेज कितनी हो सकती है इसकी भी टू हो सकती है अपने पास इसकी भी टू हो सकती है तो चॉइस क्या हो जाती है अपने पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितनी आ जाएंगी सिक्सटीन यहां पे अपने पास नंबर ऑफ जो है बाइनरी ऑपरेशन यहां पे हम बना सकते हैं फॉर्मूले से भी यही आ रहा है क्या ठीक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट लिखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीए पद्धति ठीक है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर बीजीए पद्धति एक या एक से अधिक हिंदी मीडियम वाले लिखो एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है ठीक है एक या एक से अधिक मान लो एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन दो है तीन है तो एक एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन वाला कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट वो क्या कहलाता है अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है जैसे ये हमने बनाया हुआ था ये लिख रहे थे ना एन प्लस डॉट ये वाला तो क्या कहलाता है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे ये नॉन एम्प्टी सेट जी ये नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड ठीक है इक्विप मतलब साथ में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे राफेल ले रहे हैं ना अपन राफेल पहले सस्ता आ रहा था बाद में उसमें इक्विपमेंट लगा दिया अलग अलग तो महंगा हो गया सिमिलरली उसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है एक अपने पास बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर हमने लगा दिया अब वो डिपेंड करता है एक लगा रहे हैं दो लगा रहे हैं तीन लगा रहे हैं वहां पे चीजें बदल जाती हैं जैसे दो बाइनरी ऑपरेशन वहां पे प्लस और डॉट वाला चलता है तो रिंग बन जाता है एक बाइनरी ऑपरेशन में मान लो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर ग्रुप का वो हो जाता है ठीक है ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर देन वन विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सच दैट इस तरह से जी स्टार ठीक या ऐसे है? आर प्लस डोट मान लो अब इस पर दो ऑपरेशन हो गए एक प्लस का और एक डोट का यानी मल्टीप्लाई वाला और प्लस का एडिशन वाला दोनों ऑपरेशन हो गए या फिर हो सकता है एक ऑपरेशन जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस का ऑपरेशन इस तरह से ये क्या कहलाता अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता अब हमारी मेन डेफिनेशन पे आते हैं ग्रुप या फिर समूह ठीक है पेपर में पूछी जा सकती है आपसे एक क्वेश्चन दे देगा साथ में ग्रुप की डेफिनेशन भी पूछ लेगा यह हो सकता है ओनली ग्रुप के बारे में पूछ ले समूह भी बोलते हैं इसको ठीक है ग्रुप में जाते हो ना आप सारे कहीं घूमने जाते हैं ग्रुप में फिर एक बोलता है ये करो एक बोलता है वो करो तो कुछ प्रॉपर्टीज भी तो मिलनी चाहिए तभी तो ट्रिप सक्सेसफुल होती है तभी तो अच्छा ग्रुप बनता है कुछ कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई होती है तो सेम यहाँ पे ग्रुप में भी कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे अब ग्रुप होने के लिए एक चीज तो आपको भी पता है भाई आप अकेले जा रहे हो तो उसको ग्रुप थोड़ी बोलेंगे तो कुछ एलिमेंट होने चाहिए तो जो सेट है वो क्या होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट ठीक है तो सबसे फर्स्ट चीज क्या हो जाएगी इसमें लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए अपने पास एलिमेंट होने चाहिए अगर आपका ग्रुप है तो उसमें लड़के लड़कियां जो भी है वो होने चाहिए अपने पास तो वो वहां से फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए ठीक है विद ए बाइनरी ऑपरेशन कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए ऑपरेशन होना चाहिए विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट यहां पे स्टार से लिख लेते हैं ठीक अलग अलग लिखा रहता है लेट जी बी ए नॉन एम टी सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट ठीक है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है मतलब यहां से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे इस सेट से उनका ऑपरेट करवाएंगे जो भी ऑपरेशन है मान लो प्लस है डॉट है मल्टीप्लाई जो भी है तो नया जो एलिमेंट आएगा वो वापस इसी ग्रुप में आएगा ये ऐसे कह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहां ठीक है विद ए स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड जी स्टार ये जो एल्जेब्रिक पहले ये लिख लो देन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्ज़ोम्स या फिर कंडीशन प्रॉपर्टीज जो भी आप लिखना चाहो फर्स्ट इसमें हो जाएगी क्लोजर संवर्थ हिंदी में जिसको लिखेंगे निमिडे वाले भी साथ साथ लिख लो लेट या माना जी कोई एरिक्स समुच्चय है माना एक एरिक्स समुच्चय जी पर एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है माना एक एरिक्स समुच्चय जी पर एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है तो बीजे पद्धति जी स्टार ग्रुप तो बीजे पद्धति जी स्टार ग्रुप कहलाती है यदि निम्नलिखित प्रतिबंधों का अनुसरण करे यदि निम्नलिखित प्रतिबंधों का अनुसरण करे अगर कुछ ये प्रॉपर्टीज है इनको सेटिस्फाई करे उस केस में ठीक है कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? फाइनल ईयर में आ रहे हो ध्यान ही हो गई होंगे अब तो काफी जगह पढ़ ली होगी कहीं ना कहीं फर्स्ट क्या हो जाएगी इसमें क्लोजर या फिर संवर्ध क्लोजर की जो कंडीशन क्या होती है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी ए और बी कोई दो एलिमेंट हमने कहा से लिए जी जो सेट था अपने पास वहां से लिए देन ए ए स्टार स्टार बी। बी का मतलब क्या है फर्स्ट एलिमेंट ये जो हमने लिया और सेकंड जो एलिमेंट लिया उसके बीच हमने क्या करवा दिया ऑपरेशन लगा दिया ऑपरेशन कौन सा लगाया जो भी ऑपरेशन पर इस ग्रुप पर डिफाइन था बाइनरी ऑपरेशन वो तो जो नया एलिमेंट आएगा सी वो भी वापस आना चाहिए जी में इसी सेट में आना चाहिए ये कंडीशन फॉर ऑल और सभी के लिए होनी चाहिए किसी भी कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं हम ए और बी जी सेट से ठीक है उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार वो जो नया एलिमेंट आ रहा है वो वापिस उसी सेट में अगर आ रहा है तो वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा क्लोजर कहलाएगा या फिर संवर्त कहलाएगा मतलब तो एक तरह से क्लोज हो गया ना दो कोई भी एलिमेंट उनको ऑपरेट करवाएंगे वापिस उसी सेट में आएगा ठीक है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास क्लोज हो जाएगा संवर्त के लिए भी लिख लो फर्स्ट सेकंड ऐसे प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास एसोसिएटिव हिंदी में लिख लो सा लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी अब यहां पर अपने पास क्या रहेंगे तीन एलिमेंट रहेंगे देन जी स्टार इज एसोसिएटिव जी स्टार को एसोसिएटिव कब बोलेंगे इफ ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टारीवल्स टू क्या मतलब हुआ इसका पहले मैंने ए को बी से ऑपरेट करवाया फिर मेरे पास कोई एलिमेंट आया सी उसको नया एलिमेंट जो भी आया उसको फिर मैंने थर्ड एलिमेंट से ऑपरेट करवाया या फिर मैं पहले बी और सी सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऑपरेट करवाऊं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको पहले वाले जो ऑपरेशन है Sorry, जो एलिमेंट है उसको इधर से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो तो दोनों ही केस में मेरे पास रिजल्ट क्या है सेम आए रिजल्ट क्या सेम आए तो फिर जो सेट है वो क्या कहलाएगा एसोसिएटिव कहलाएगा अपने पास जैसे नेचुरल नंबर है दो तीन नेचुरल नंबर ले लिया मान लो ये ले लिया अपने पास ठीक है अब पहले टू और थ्री को ऐड कर लो प्लस का ऑपरेशन ले, ले लेते हैं टू और थ्री को ऐड कर लो और फिर फाइव को ऐड कर लो क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा ठीक है या फिर पहले थ्री और फाइव को ऐड कर लो क्या आ जाएगा एट और इसमें टू ऐड कर दो इधर से तो भी क्या आ रहा है टेन आ रहा है कोई भी नंबर ऐड कर लो नेचुरल नंबर में सेम रहेगा तो एन प्लस ये जो बनेगा अपने पास ये क्या बन जाएगा एसोसिएटिव बन जाएगा एन माइनस देखते हैं एन माइनस तो वैसे उसमें फर्स्ट में क्लोजर में दिक्कत आ जाएगी ठीक है इंटीजर्स वाला देख लेते हैं जेड माइनस ये जो था अपने पास कोई भी दो इंटीजर लिए ऐड करेंगे वापस वापस इंटीजर इंटीजर आएगा इंटीजर आएगा माइनस करेंगे तो अब देखते हैं कि तीन में जो एसोसिएटिव कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या मान लो वन टू और थ्री ये ये ले लिया हमने पहले क्या किया मैंने वन माइनस टू किया और फिर माइनस थ्री किया दूसरे केस में मैं इधर क्या कर लेता हूं टू माइनस थ्री कर लेता हूं और इधर से ये वन माइनस ऐसे कर दो यहां क्या आ जाएगा अपने पास माइनस वन ठीक है और ये माइनस थ्री टोटल क्या आ जाएगा माइनस फोर इधर ये माइनस वन और ये वन माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा टू सेम आया क्या नहीं आया तो जो नेचुरल नंबर का सेट है उस पे अगर माइनस ऑपरेशन के लिए हम बात करें तो ये क्या बाइनरी सॉरी एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं करेगा ठीक है साचरियता की कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा इसी में थर्ड कंडीशन अपने पास हो जाती है इधर लिख देता हूं मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और इसको तत्समक अवय भी बोलते हैं तो ये हो जाएगा तत्समक अवय का अस्तित्व उसका अस्तित्व है या नहीं है एग्जिस्ट कर रहा है नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का वो एलिमेंट होता है जिसको किसी के भी साथ ऑपरेट करवाते हैं जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ उसके थ्रू किसी से भी ऑपरेट करवाते हैं तो वापिस वही एलिमेंट आ जाएगा ठीक है जैसे नेचुरल नंबर में प्लस के लिए बात करें हम प्लस का जो ऑपरेशन है तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें कोई भी नेचुरल नंबर लो आप उसमें क्या ऐड करें कि वापिस वही नंबर आ जाए तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है जीरो लेकिन आगे जैसे जैसे हम सेट पढ़ेंगे तो उनमें डायरेक्ट आपके माइंड में नहीं आएगा कि इसमें जो है नेचुरल नंबर में तो आपको मान लो पता चल गया कि कोई भी नंबर है उसमें जीरो ऐड करो वापस वही नंबर आ जाएगा लेकिन काफी सारे ऐसे ग्रुप आएंगे कि वहां पे हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा तो वहां पे हमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है अब जो जीरो है वो एड तो कर रहे हैं ठीक है नेचुरल नंबर में अगर प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हम तो कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं उसमें जीरो ऐड कर रहे हैं तो वापस वही नंबर तो आ रहा है लेकिन अब ये जो, जो तो नंबर है।, तो तो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट उस सेट में नहीं है ना तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है तो देर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी ठीक है एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई से डिनोट करेंगे हम इसको किसमें मिलना चाहिए हमें जी जो सेट हम ले रहे हैं उसी में मिलना चाहिए ठीक है तो इसी में अगर मिलेगा तो तो इसको लिख लो इफ देर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू या इसको बाद में लिख लेना ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी अब इसका मतलब समझो कि ये क्या लिखा हुआ है नोट कर लो एक बार इसको ये लिख के और फिर इधर लिख लिखना देन इज e called identity एलिमेंट ऑफ सेट जी for स्टार बाइनरी ऑपरेशन ठीक है या फिर अंडर अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ठीक है ऑपरेशन का बहुत यहाँ पे मेट्रा अगर ऑपरेशन चेंज कर दिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा लेकिन किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है अपने पास यूनिक होता है ठीक है एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा अपने को ये नहीं है कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गए एक ही आइडेंटिटी मिलेगा यहां क्या लिखा था हमने कि कोई ऐसा एलिमेंट देर एग्जिस्ट ये सिंबल किसका होता है देर एग्जिस्ट इफ कोई अगर ऐसा एलिमेंट ई हमें मिल रहा है किसमें जी जो सेट हम ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट उसमें कि इसके किसी एलिमेंट से हम ऑपरेट करवा रहे हैं मान लो पे स्टार की जगह ऑपरेशन चेंज हो जाएगा प्लस करवा रहे हैं माइनस करवा रहे हैं तो वापस वही एलिमेंट आ रहा है अपने पास चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं हम या चाहे राइट साइड से ठीक है और ये सभी के लिए होना चाहिए ये नहीं है कि किसी एक एलिमेंट को ऑपरेट करवाया वो तो सेम वही ही वापिस आ गया लेकिन सभी के लिए नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिससे हम जो जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं ऑपरेट करवा रहे हैं और वापस वही एलिमेंट नहीं आ रहा तो फिर वहां पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा सभी के लिए होना चाहिए सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए वो कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास लागू होनी चाहिए ठीक है तब ये जो ई e एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा उस सेट जी के लिए अंडर द ऑपरेशन स्टार जो भी ऑपरेशन हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था स्टार उस ऑपरेशन के लिए हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए यदि एक अवयव यदि एक अवयव ई e, यदि एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी यदि एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी ऐसा है या ऐसा विद्यमान है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा है कि ये कंडीशन क्या हो रही है अपने पास तो ई को तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ठीक है लास्ट इसमें एक और कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फोर्थ कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम अवयव प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ठीक है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स एलिमेंट की बात हम तभी करेंगे जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो फिर इनवर्स एलिमेंट की बात भी हम नहीं करेंगे ठीक है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इनवर्स की बात भी नहीं करेंगे तो लेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ठीक है जी का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो या फिर एवरी नहीं लगेगा यहाँ पे ए लिख लो लेट लेट ए बिलोंग्स टू जी यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऐसे लिख लो लेट फॉर ईच लेट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी एक और एलिमेंट हमें जी सेट में मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए सच दैट कि इन दोनों को हम ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास क्या जाए? आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए ठीक है देन बी इज कोल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन सेट जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार और लिखेंगे कैसे इसको ऐसे इनवर्स इक्वल्स टू बी सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए यदि कोई संगत अवयव कोरोस्पोडिंग कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है संगत अवयव बी उसमें इस प्रकार से विद्यमान है सेट जी में इस प्रकार से है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई या फिर इक्वल्स टू बी स्टार ए तब हम बी को इनवर्स से व्यक्त करते हैं तब हम बी को इनवर्स से व्यक्त करते हैं जहां बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है ठीक है तो अब ग्रुप में हम क्या लिख रहे थे ये ग्रुप के लिए कंडीशंस लिख रहे थे तो ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पे अपने पास क्या कहलाता है ग्रुप बन जाता है या फिर समूह बन जाता है ठीक है क्या बन जाता है समूह बन जाता है या फिर ग्रुप बन जाता है शेयर कर दिया करो एक बार बीच बीच में जितने भी दोस्त वगैरह तो हैं बीएससी में ग्रेजुएशन में और ये तो काफी जगह काम आएगी ये चीज़ें तो बीएससी में ही क्या ठीक है जल्दी उसका भी स्टार्ट कर देंगे सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का भी बेस्ट स्टार्ट कर देंगे तो ये चारों कंडीशन अगर कोई सेट जी जिसके ऊपर उप बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है स्टार वो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जी स्टार जो एल्जेबरिक स्ट्रक्चर है वो अपने पास क्या बन जाता है ग्रुप बन जाता है ठीक है अब एक और आता है अबेलियन ग्रुप आ जाता है अपने पास या फिर आबेली समूह जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं कर्म विनी में ठीक है हमारे साइंटिस्ट थे आबेल नाम से काफी यंग साइंटिस्ट थे 1802 से और शायद 1829 तक यानी लगभग 27 साल की उम्र में ही सिधार गए थे मोस्टली तो जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं उनकी उम्र भी इतनी हुई है तीस बत्तीस के लगभग इसलिए अपने को इतना ही पढ़ना है जितना काम आए मैथमेटिशियन नहीं बढ़ना है नहीं तो जल्दी इतनी तो पच्चीस तो नहीं पढ़ना अपने को जितना काम आए उतना ही पढ़ना है मैथमेटिशियन बढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी रिकॉर्ड उठा के देखना ज्यादातर मैथमेटिशियन तीस पैंतीस की उम्र में हो गए थे फ्री तामझाम से ठीक है तो आबेल उनके नाम से या उनके सम्मान में ऐसे कह सकते हैं हम जो ये ग्रुप है अबेलियन ग्रुप ये हमने नाम दिया था इसको ठीक है और इसको कॉम्पिटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं कॉम्पिटेटिव ग्रुप या फिर हिंदी में लिख लो कर्म विनिमय समूह या फिर आबेली समूह ठीक है जो रजिस्टर्ड बच्चे उनके लिए वेबसाइट पर भी ये सारे वीडियोज अपने को मिल जाएंगे जो भी यहाँ पे क्लास चल रही है अभी और आगे जो ओनली अपने लाइव क्लास चलेगी उसके वीडियोज भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पर भी जाकर ज्वाइन कर सकता है या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल भी कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं आबेली स्वरूप समूह क्या हो जाएगा ए ग्रुप ए ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी यानी अब क्या हाँ यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम एक ग्रुप ठीक है तो इसका मतलब वो ग्रुप की चारों कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशन फर्स्ट क्लोजर है संवर्त है कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ऑपरेट करवाएंगे वापस उसी में आएगा ठीक है क्लोज्ड है यानी सेट उसके बाद सेकंड एसोसिएटिव की कंडीशन कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी पहले ए और बी को ऑपरेट करवाएंगे फिर सी से ऑपरेट करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा बी और सी को ऑपरेट करवाएं फिर ए से ऑपरेट करवाएं वो जो रिजल्ट आएगा दोनों केस में सेम आना चाहिए तो वो एसोसिएटिव या फिर साचरियता की कंडीशन हो जाएगी थर्ड अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एक ऐसा एलिमेंट जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं तो वापिस अपने पास वही एलिमेंट आ जाए तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए और सेट में ही मिलना चाहिए ठीक है ये नहीं है कि सेट से बाहर जैसे नेचुरल नंबर में जीरो की बात करें किसी भी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा वापस वही नेचुरल नंबर आ जाएगा लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है अपने पास प्राकृतिक संख्या में नहीं है ठीक है तो, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी तो सेट में ही होना चाहिए नेचुरल नंबर या जो भी है अपने पास मान लो सेट दिया हुआ जी ठीक है लास्ट अपने पास कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ठीक है प्रतिलोम अवयव तो ए का इनवर्स ए के लिए कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट से आपने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट लिया उसके लिए उसी सेट में एक और एलिमेंट मिलना चाहिए और वो कैसा मिलना चाहिए कि उन दोनों को जब मैं ऑपरेट करवाऊंगा जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस डिवाइड जो भी है वो ऑपरेट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए ठीक है उन दोनों को मैं ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले क्या जरूरी है आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है तो ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ तो आप चेक कैसे करोगे तो आप फर्स्ट क्या करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करोगे और मोस्टली जो हम ग्रुप या जो चेक करेंगे जो भी कंडीशन तो उसमें अगर दिक्कत आएगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट में आएगी ठीक है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी अपने पास क्या आ जाएगा उसकी जो आगे की कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे इनवर्स एलिमेंट की जो कंडीशन है वो वहां पर सेटिस्फाई करने की बात वहां पे हम करेंगे ठीक है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है इनवर्स एलिमेंट भी मिल रहा है आइडेंटिटी भी है ठीक है एसोसिएटिव भी है और अपने पास फर्स्ट कौन सी थी क्लोजर समर्थ भी है तो ग्रुप बन जाएगा उसके साथ एक कंडीशन अगर और सेटिस्फाई हो रही है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है यानी कोई भी दो एलिमेंट हम सेट से ले रहे हैं उनको ऑपरेट करवा रहे हैं ठीक है पहले इसको इससे ऑपरेट करवाया फिर इसको इससे ऑपरेट करवाया तो दोनों केस में अगर रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास सेम आ रहा है ए को बी से ऑपरेट करवाने पर और बी को ए से ऑपरेट करवाने पर दोनों केस में रिजल्ट अगर अपने पास सेम आ रहा है तो फिर वो ग्रुप क्या कहलाएगा अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप करम समूह ठीक है यदि या एक ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप या फिर क्रम ग्रुप कहलाता है यदि जी के प्रत्येक युगम युगम यानी ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी है प्रत्येक युगम ए बी के लिए यह कंडीशन ए स्टार इक्वल्स टू बी स्टार ए सही है तब नॉन अबेलियन या फिर अन ग्रुप जिसको बोलेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिर नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा कोई भी एक ग्रुप एलिमेंट के लिए अगर अपने को कोई भी एक दो एलिमेंट हमने ये ए बी का ये सेट लिया ठीक है इसके लिए कंडीशन मिल गई अपने को ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल गए तो फिर अपने वो जो ग्रुप होगा वो कैसा ग्रुप हो जाएगा नॉन एविलियन ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप लिख लो परिमित और अपरिमित समूह फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट थे वैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज फाइनाइट देन इट इज कोल्ड फाइनाइट सेट अदरवाइज इट इज कोल्ड इन फाइनाइट सेट ठीक है यदि किसी ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित है तो जी स्टार परिमित ग्रुप कहलाता है और यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या अनंत है तो उसे अपरिमित या फिर अनंत ग्रुप कहेंगे नेक्स्ट एक एडिंग लिखो ऑफ़ ग्रुप टी ठीक है या फिर ग्रुपांक भी इसको बोलते हैं या फिर समूहांक भी इसको बोलते हैं ठीक है, है। यदि ग्रुप जी स्टार है य, या फिर यदि जी स्टार एक ग्रुप है यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या को ही ग्रुप की कोटि कहते हैं तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या को ही ग्रुप की कोटि कहते हैं और इसे ऑर्डर ऑफ जी से इससे डिनोट करते हैं ऐसे ठीक है मान लो कोई सेट ए अपने पास तो उसका ऑर्डर कैसे डिनोट करेंगे ऐसे फाइव

फाइव या इसकी कोटी अगर पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाएगी फाइव द कार्डनलिटी ऑफ जी इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप ठीक है जो जी सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी यानी जितने भी एलिमेंट्स उसमें द कार्डनलिटी ऑफ जी इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप ठीक है इन जी स्टार जो भी ग्रुप अपने पास उसमें अब तीन चार छोटी छोटी डेफिनेशन हो रहे हैं ग्रुपोइड मोनोइड फर्स्ट लिखो ग्रुपोइड या फिर क्वासी ग्रुप भी इसको बोलते हैं जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एक बाइनरी ऑपरेशन यहां पे डिफाइन हो रहा है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट इज कॉल्ड देन जी स्टार डिफाइंड ऑन इट देन जी स्टार इज कोल्ड called groupoid और क्वासी ग्रुप ठीक है हिंदी में भी लिख सकते हो इसको ग्रुप या फिर क्वासी समूह ठीक है यानी सिर्फ क्लोजर की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे हम ग्रुपोइड बोलेंगे एक होता है लूप ये ग्रुपोइड ये ग्रुपोइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट विद आइडेंटिटी एलिमेंट इज कोल्ड इज कोल्ड ए लूप ठीक है कोई ग्रुप group है ग्रुप ऑइड के लिए यानी उस पर बाइंड्री ऑपरेशन फर्स्ट जो कंडीशन है वो अपने पास सेटिस्फाई हो रही है साथ ही साथ उसमें क्या मिल रहा है अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है क्या मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लूप कहेंगे ठीक है सेम थर्ड अपने पास है सेमी ग्रुप लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट देन जी स्टार ज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट इज एसोसिएटिव ठीक है एसोसिएटिव की जो कंडीशन है इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू बाइंड्री ऑपरेशन स्टार ठीक है अगर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू वो वाली वो अगर सेटिस्फाई हो रही है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर क्या कहलाएगा अपने पास सेमी ग्रुप कहलाएगा ठीक है जैसे नेचुरल नंबर के साथ प्लस के ऑपरेशन वाले बात करें कोई भी तीन नेचुरल नंबर लो पहले फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लो फिर थर्ड में ऐड कर दो या फिर पहले सेकंड थर्ड को ऐड कर लो फिर फर्स्ट को ऐड कर लो तो एक ही आएगा सेम ठीक है सिमिलरली मोनोइड सबसे लास्ट में an algebraic structure g star is called monoid if it satisfies following condition first इज असोसिएटिव सेकेंड आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फोर जी स्टर ठीक है यानी इसमें थर्ड अपनी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी यहां पर फर्स्ट क्या थी क्लोजर तो अगर क्लोजर कंडीशन सेटिसफाई है तो उसको हम क्या कहेंगे ग्रुप ओइड कहेंगे या फिर क्वासी ग्रुप कहेंगे अगर फर्स्ट कंडीशन यानी क्लोजर के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे लूप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यानी एसोसिएटिव की कंडीशन भी अपने पास सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उसको क्या कहेंगे सेमी ग्रुप कहेंगे अगर एसोसिएटिव भी है क्लोजर भी है और थर्ड कंडीशन यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है तो फिर उसको क्या कहेंगे मोनोइड कहेंगे ठीक है और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या बन जाता है अपने पास लास्ट में ग्रुप बन जाता है फिर क्या बन जाता है ग्रुप बन जाता है तो अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तब तो ग्रुप बन ही जाता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मान लो इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहे अपने को तो फिर आइडेंटिटी तक मिल गया तो क्या हो जाएगा मोनोइड हो जाएगा मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं मिल रहा ओनली एसोसिएटिव भी है तो वहां तक क्या हो जाएगा सेमी ग्रुप हो जाएगा और अगर मान लो अपने को सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन ही मिल रहा है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी है तो फिर वो क्या कहलाएगा ग्रुपोइड कहलाएगा ठीक है तो कल से इसमें एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन हैं आपके ग्रुप के ग्रुप डिफाइन करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है आगे जो थ्योरम्स होंगी वो स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में ठीक है. है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ग्रुप क्या होता है अबेलियन ग्रुप क्या क्या होता है अबेली समूह जिसको कहते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है फर्स्ट अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए एसोसिएटिव की कंडीशन चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ये चार कंडीशन थे अपने पास इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए ये अगर सेटिस्फाई हो रहा था ग्रुप हो जाएगा अपने पास समूह बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो शेयर कर दिया करो वीडियो को ठीक है और कुछ दिन चल रही है जब तक आराम से पढ़ते रहो फिर बाद में तो प्राइवेट हो जाएंगे मतलब ये तो वीडियोस रहेंगे आपके पास बट आगे जो क्लासेस होंगी वो फिर यूट्यूब पर लाइव नहीं होंगी ठीक है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए हो जाएंगी कोशिश करेंगे इसका जो एक पूरा एक टॉपिक तो आपको पूरा क्लियर ही हो जाए उसके बाद ही वो करें ठीक है तो कोई डाउट है तो पूछ लो फिर नहीं तो फिर वो करते हैं एंड करते हैं